नमस्कार, आप सब जुड़ चुके हैं ट्रुथ प्रिवेल के साथ और मैं हूं नियति। इस समय मैं चीफ इंजीनियर ऑफिस पीडीटी के वहां मौजूद हूं कनाल रोड पे, और आपको बताते चले कि लगातार डेली वेजर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज एक बार फिर जो है JKPDL जो है यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं TDL और PDL वाले जितने भी अदर वर्कर यूनियन है पावर डेवलपमेंट के, वो यहाँ पर आज प्रदर्शन कर रहे हैं। किस चीज को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है वो भी इनसे जानने की कोशिश करें। पर लगातार हम देख रहे हैं क्या PHE के डेली वेजर्स हो या किसी भी डिपार्टमेंट के डेली वेजर्स हैं, वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आज यहाँ पर ये पेंडी वेजेस को लेकर भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांगे पूरे करने की बात की जा रही है। क्या मांगे हैं इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अखिल जी, पेंडिंग वेजेस के नारे लगाए जा रहे हैं कि पेंडिंग वेजेस रिलीज करो और हमारी मांगे पूरी करो, क्या मांगे लेकर आज यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है? मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ जो है बुलंद करते हो और गवर्नमेंट तक हमारी आवाज़ पहुँचती है। मसला ये है कि हमारी एक यहाँ चीफ साहब ने स्नैटी निकाली थी। हम अपने चीफ साहब का वेलकम करते हैं और उनका शुक्रिया भी करते हैं, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जो उन्होंने स्नैटी निकाली है। दूसरा नंबर, कुछ हमारे ऐसे साथी भी हैं जो इस स्नैटी के साथ छेड़खानी करना चाहते हैं, क्योंकि अब एक जो 1994 से लगा है तो दूसरा भाई जो है वो भी 94 से लगा है, लेकिन उसका क्या कसूर है? उसको अगर गवर्नमेंट ने मंथली सैलरी नहीं दी तो उसका भी कोई कसूर नहीं है। एज एंगेजमेंट के साथ, जैसे हमारे चीफ साहब ने स्नैटी निकाली है, एज एंगेजमेंट के हिसाब से जो भी आएगा फॉल करेगा वो रेगुलर होगा, चाहे हमसे सीनियर होगा चाहे हमसे जूनियर होगा। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए। दूसरा नंबर, हमारी जो आप पेंडिंग की बात कर रहे हो, हमारी 7 सालों की जो पेंडिंग वेजिस है वो हमारी पड़ी हुई है। 7 सालों की हमारी जो पेंडिंग है वो डिपार्टमेंट को भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी पता है। तो कितनी सैलरी जो है वो अभी तक पेंडिंग? हमारी 7 साल की, कम से कम 5-7 साल की सैलरी जो पेंडिंग पड़ी हुई है वो हमारी सैलरी पेंडिंग में, लेकिन हमारी जो स्नैटी निकाली है एज एंगेजमेंट के हिसाब से और कंटिन्यूटी सर्टिफिकेट लगा के, तो वो इन्होंने हमारी स्नैटी को फिक्स किया है। क्या लगा आप लोगों सैनोरिटी को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ छेड़छाड़ हुई है क्या आप जिस तरह से बोल रहे हैं? मैम, पहले भी 2009 में भी हमारी एक स्नैटी निकाली गई थी, उसमें भी छेड़खानी हुई थी। उसके बाद 2015 में भी हमारी एक स्नैटी निकाली, उसमें भी यही हुआ था। ये नीड बेस है, डेली कैजुअल है, लेकिन बेसिकली एक ही हेड से पे लेते हैं। जहाँ तो अलग अलग हेड से कोई पे ले रहा हो तो हम भी कहेंगे चलो जी इनका हेड अलग है, हेड एक है, पे एक ही डिपार्टमेंट से निकल रही है, उनकी उसी खाते से निकल रही है, हमारे भी उसी खाते से निकल रही है। लेकिन हम यही चाहते हैं कि हैज एंगेजमेंट के हिसाब से कोई भी जाए, हमें कोई एतराजगी नहीं है, हम अपने चीफ साहब का वेलकम करते हैं। दूसरे नंबर पे LG साहब ने एक ट्वीट किया था, 12,000 लोग हमने परमानेंट कर दिए, रेगुलर कर दिए, लेकिन मात्र 300 लोग ही परमानेंट हुए हमारे स्टेट। मतलब वो जो ट्वीट था वो गलत था? अब LG साहब ने ट्वीट किया, हम तो यही कहेंगे वो गलत है, कि अगर वो 12,000 उन्होंने परमानेंट किए तो ये लोग यहाँ नहीं बैठते, ये लोग ग्राउंड के सिपाही हैं, PDD के सिपाही हैं, ये ही लोग हैं जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, यही लोग हैं जिनकी टांगे कटती हैं, बाजू कटती हैं, मर जाते हैं, यही लोग हैं जो इस डिपार्टमेंट, अगर ये लोग हैं तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र राणा जी ने बड़ी बार आपने आपके माध्यम से मीडिया के चैनल के थ्रू भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता भी की थी, उन्होंने कहा था कि हमने PDD के 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं, लेकिन आपके सामने ही हैं 300 लोग ही हुए हैं, और हम आपके माध्यम से दोबारा ये कहना चाहते हैं जो हमारी स्नैटी है उस स्नैटी के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाए। ये जो स्नैटी अभी तक नहीं हुई है, पर आप ये डिमांड रखते हैं कि होनी नहीं, होनी नहीं चाहिए। जी 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 जी। यहाँ पर आज कहाँ कहाँ के लोग जो है यहाँ रजौरी, पुनश, रियासी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, कठुआ, बनी, बसोली, अभी हमने थोड़े से लोग बुलाए हैं, तो ये सारे हर एक जम्मू प्रामिस। आज पहला दिन है प्रदर्शन? ये आज हमने एक दिन का ही रखा हुआ है, हम चीफ साहब से भी मिलेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन हमने उनको आगाह भी कर दिया मीडिया के माध्यम से। आपको कि अगर आज जो आपने प्रदर्शन किया है उसके बाद अगर आपके चीफ साहब हमारे चैनलों के माध्यम से ये चीज सुन रहे हैं तो क्या लगता है कि आपको फिर प्रदर्शन करना पड़ेगा? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि चीफ साहब जिस स्टैंड पे हैं वो उसी स्टैंड पे रहें तो बड़ी अच्छी बात है। हम चीफ साहब का शुक्रिया और वेलकम करते हैं, अगर उसके साथ कोई छेड़खानी हुई तो हम इससे भी ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। तो साफ तौर पे आपने सुना कि इनका कहना ये है कि इनकी सोनारिटी लिस्ट जो है उससे साथ पहले दो बार जो है प्रदर्शन किया, माफी चाहूंगी, उसके साथ पहले भी छेड़खानी हुई है, और आज इनको ये शक पड़ा है, कईयों के दिमाग में ये बात आई है कि दो बार पहले हमारे साथ ऐसा हो चुका है और इस तीसरी बार हमारे साथ ऐसा ना हो, उसको लेकर आज एक बार फिर जो है ये यहाँ पर बाहर निकल कर बैठे हैं। तो ये यही चाहते हैं कि इनके साथ उनकी जो सोनारिटी लिस्ट है उसके साथ छेड़खानी
कमी ना हो, क्योंकि जिस तरह से स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी का कहना था कि हमने 12,000 डेली वेजेस को जो है पक्का किया, पर इनका कहना ये है कि सिर्फ 300 डेली वेजेस जो है पक्के हुए हैं। अगर 312,000 हुए होते तो आज ये लोग जो है सड़कों पे नहीं होते, इसलिए आज एक दिन का प्रदर्शन इन्होंने किया। अगर आने वाले दिनों में इनकी कोई भी और अगर सीनियोरिटी लिस्ट के साथ छेड़छाड़ की जाती है या कोई भी कुछ किया जाता है तो ये उग्र प्रदर्शन जो है करेंगे। अब आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे ट्रुथ प्रिवेल के साथ। नमस्कार।